गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आपको पढ़ा रहे थे ब्रक, यानी कि ब्रक सभी जानते हैं जिन्हें कहते हैं किडनी, और हमारे शरीर में इनकी संख्या होती है दो। किडनी हमारे शरीर में जो अवशेषित पदार्थ होते हैं, यानी कि अनावश्यक पदार्थ, तरल पदार्थ जो कि हमारे शरीर में जिनका कोई कार्य नहीं होता है, इन्हें शरीर से निकालना बाहर होता है, तो यह उत्सर्जन क्रिया के द्वारा होता है, जिसे हम ब्रक्कों की सहायता से इसे बाहर निकाल सकते हैं, जिसे मूत्र कहते हैं या यूरिन। इस तरीके से कल हमने आपको बताया था कि किडनी क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करती है और किडनी की क्रिया विधि क्या है। तो आज का टॉपिक हमारा भी यही है कि ब्रक्कों की क्रिया विधि, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ किडनी। ठीक है, ब्रक्क किस प्रकार से कार्य करते हैं, डोर खोलो वाला। तो ब्रक्कों का प्रमुख कार्य क्या होता है? ब्रक्कों का प्रमुख कार्य शरीर के उत्सर्जी पदार्थ, यानी कि शरीर में हमने क्या बताया था कि आपको अमोनिया बनता है जो हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, और अमोनिया फिर यूरिया में परिवर्तित होता है और इसे शरीर से निकल बाहर निकल जाता है। ऐसे ही पसीना भी हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो आज लिखिए, ये हेडिंग डाल लीजिए, इसमें हम आपको कुछ लिखा रहे हैं, तो लिखोगे ब्रक्कों का प्रमुख कार्य शरीर के उत्सर्जी पदार्थों, ब्रक्कों का प्रमुख कार्य शरीर के उत्सर्जी पदार्थों जैसे यूरिया कॉमा यूरिक अम्ल, जैसे यूरिया कॉमा यूरिक अम्ल आदि को रुधिर से पृथक का मतलब होता है अलग करके, यानी कि देखिए यूरिया भी रुधिर में मिल गई और यूरिक अम्ल भी मिला, तो उसे क्या किया, रुधिर से अलग कर लिया, रुधिर से पृथक करके शरीर से बाहर निकालना होता है, शरीर से बाहर निकालना होता है। अब देखिए, हमने जैसे जूस पिया, दूध पिया, पानी पिया, सब मिक्स हो गया, खून तो पिया नहीं हमने, पिया लेकिन खून क्या बना, हमारे शरीर में जाके वो रक्त बना। अब रक्त बन रहा तो उसके साथ जो हमने पिया वो भी तो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इससे क्या हुआ, छनित्र होकर पृथक हुआ, और पृथक करके जो अनावश्यक पदार्थ हुए वो अलग हो गए और जो अच्छे अच्छे पदार्थ थे वो हमारे रक्त में मिल गए। और तो क्या लिया, तो जो अनावश्यक पदार्थ है, जैसे आपने देखा होगा जूस की मशीन में जब जूस निकलवाने जाते हैं तो मौसमी को डाल दिया जाता है, उसके बाद जब मशीन को चलाया जाता है तो जूस अलग हो जाता है, उसका कचरा बाहर हो जाता है। ऐसे ही हम लोग जब शरीर में भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में भी पाचन क्रिया होती है, उसमें भी जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वह के रूप में वह अंदर रह जाते हैं तथा जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं वह शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो क्या लिखा आपने, शरीर से बाहर निकालना होता है। और शरीर में उपस्थित अतिरिक्त जल, अब देखिए आपने जैसे 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर पानी पिया तो अब वो क्या होगा, भरा रहेगा क्या, वो तो निकलेगा है ना, वो तो शरीर से निकलेगा, तो अतिरिक्त हो गया। जब हमारे शरीर में जो चीज़ भी अतिरिक्त हो जाएगी तो शरीर से बाहर निकलेगी। तो क्या लिखा, शरीर में उपस्थित अतिरिक्त जल भी निकाला जाता है, शरीर में उपस्थित अतिरिक्त जल को भी शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिससे शरीर का जल संतुलन बना रहे। तो देखिए, जो ब्रक की नलिका होती है वह उपस्थित कोशिकाओं का एक जाल सा होता है, उसमें वह प्रवेश करता है कोशिकाओं के जाल के बाद रुधिर कोशिका ग्रच से होते हुए वह बाहर आने वाली रुधिर में होते हुए इस तरीके से वह कई बार क्या होता है, फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद वह जब बिल्कुल फिल्टर हो जाता है तो हमारी रुधिर कोशिकाओं में चला जाता है। तो क्या लिखा आप अगली लाइन से लिखेंगे, अधिक दाब पर रुधिर कणिकाओं
रुधिर कणिकाओं व प्रोटीन को छोड़कर रुधिर कणिकाओं व प्रोटीन को छोड़कर रुधिर का अधिकांश भाग केशिका गुच्छा की पतली भित्ति से छनकर संपुट में आ जाता है इस छने हुए द्रव में अधिकांश जल तथा अन्य घुलनशील पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया ग्लूकोज अनेक लवण आदि। छनने की इस क्रिया को परानिष्णंदन भी कहते हैं या अति सूक्ष्म निष्नंदन कहते हैं। जब छना हुआ द्रव अगली लाइन से लिखेंगे ब्रकनलिका के कुंडलित भाग में आगे जाता है तो इसमें उपस्थित लाभप्रद पदार्थ जैसे ग्लूकोज कुछ लवण व जल आदि अवशोषित होकर पुनः रुधिर में पहुंचा देते हैं और हानिकारक पदार्थ लवण व जल ब्रक में ही रह जाते हैं यह यूरिन कहलाता है इसे यूरिन कहते हैं। यह मूत्रवाहिनी से होते हुए कलम में आपको बता रहे शरीर दो संरचनाएं ऐसी होती हैं। यह है मूत्रवाहिनी और ये किडनी लगी हुई थी। यहाँ पे क्या था? यूरेटर्स था। होते हुए मूत्राशय में पहुंचता है यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है। इसमें पहुंच गया यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है और ज्यादा अधिक दबाव महसूस होने पर
और ज्यादा अधिक दबाव, यानी कि जब थैली भर जाती है या और ज्यादा अधिक दबाव महसूस होने पर इसे शरीर से बाहर त्यागना होता है, इसे शरीर से बाहर त्यागना होता है। यही ब्रक्कों की क्रिया विधि है, यही ब्रक्कों की क्रिया विधि है। तो इसमें एक डायग्राम है जो कि हम आपको इसमें दिखा रहे हैं, ये सभी लोगों को बना लेना है। ये देखेंगे ये डायग्राम बना हुआ है जिसमें सबसे ऊपर कुंडलित नलिका है, फिर अभिवाही नलिका है, केशिका गुच्छ है, बोमेन संपुट है, अपवाही धमनिका है, ब्रक सिरा है, हेलने चाप है, संग्राहक है, मनुष्य की ब्रक नलिका इसे कहते हैं। तो ये देख लीजिए आप सभी लोग, इस डायग्राम को आप सभी को बनाना है। तो ये था आपका ब्रक्कों की क्रिया विधि। अगली हेडिंग है ब्रक्कों के नियंत्रण कार्य। ब्रक्कों के नियंत्रण कार्य, ब्रक्कों के नियंत्रक कार्य, यानी कि किस प्रकार से ये नियंत्रक करता है। तो लिखेंगे नंबर एक, ये रुधिर के पीएच को नियंत्रित रखते हैं, ये रुधिर के पीएच को नियंत्रित रखते हैं जिससे इसकी वंछित अम्लीयता, जिससे इसकी वंछित अम्लीयता अथवा क्षारीयता बनी रहती है, अम्लीयता अथवा क्षारीयता बनी रहती है। नंबर दो, ये अतिरिक्त पोषक पदार्थों का, ये अतिरिक्त पोषक पदार्थों का ऊतक द्रव्य में निष्कासन करते हैं, ये अतिरिक्त पोषक पदार्थों का ऊतक द्रव्य में, ऊतक द्रव्य में निष्कासन करते हैं जिससे इनका संतुलन बना रहता है, जिससे इनका संतुलन बना रहता है। नंबर थ्री, ये रुधिर में उपस्थित अनावश्यक, ये रुधिर में उपस्थित अनावश्यक एवं विषैले पदार्थों को छानकर, ये रुधिर में उपस्थित अनावश्यक एवं विषैले पदार्थों को छानकर उसे पृथक करते हैं, उसे पृथक करते हैं। अगला पॉइंट, ये निस्संदन से पुनः, ये निस्संदन से पुनः ग्लूकोज व अन्य लवणों का अवशोषण करते हैं, निस्संदन से पुनः ग्लूकोज व अन्य लवणों का अवशोषण करते हैं। ये रुधिर का परासरणीय दाब, ये रुधिर का परासरणीय दाब वंछित स्तर तक बनाए रखने में, वंछित स्तर तक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये थे इसके कार्य, ठीक है, किसके, ब्रक्कों के कार्य। समझ में आ गया सभी को कि ब्रक्क के क्या कार्य है। ब्रक्क में जब क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, यानी कि जब इस यूरिन को बाहर नहीं निकाला जाता है, या फिर यूरिन के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे ब्रक्क में ही रह जाते हैं, जो संक्रामक, जब हमारी किडनी यानी कि ब्रक्क क्या हो गए, संक्रमित हो जाते हैं, यानी कि किडनियाँ सुना होगा कि खराब हो जाती है, ये किडनियाँ खराब कैसे हो जाती है, जो अनावश्यक पदार्थ यहाँ पर उपस्थित है वे यही रह जाते हैं और शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, जिसके कारण ये किडनियाँ फूल जाती हैं, सूख जाती हैं, इनमें घाव भी हो जाते हैं और जिनके कारण शरीर से जल का उत्सर्जन नहीं हो पाता और शरीर में अन्य प्रकार से रोग हो जाते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर एक
सलाह देता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डायलिसिस। सुना होगा सभी ने, हिंदी में उसे कहते हैं अपोहन और इंग्लिश में उसे कहते हैं डायलिसिस। फिर डॉक्टर इसकी डायलिसिस करता है, शरीर में जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उसे शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। ये डायलिसिस क्रिया हर जिस व्यक्ति की किडनी ठीक रूप से कार्य नहीं करती है यह डायलिसिस क्रिया उसमें होती रहती है, क्योंकि शरीर में जल का बढ़ना और अनावश्यक पदार्थों का बढ़ना उसके लिए हानिकारक होने लगता है। तो उसकी बाह में एक रुधिर नलिका को लगाकर उसके शरीर का सारा रक्त बाहर निकाल लिया जाता है, फिर उसे छनित किया जाता है और फिर पुनः शरीर में चढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार से अपोहन विधि करके, इस प्रकार से डायलिसिस विधि करके किडनी को छनित किया जाता है, लेकिन ये क्रिया परस्पर चलती रहती है। तो ये जो अपोहन विधि है, ये अपोहन विधि का हम आपको कराएंगे। तब तक आप ये नोट कर लीजिए, अपोहन विधि का लाभ आपको कराएंगे, ठीक है? और कल तक आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा ये।